आज हम रिपोर्ट करने वाले हैं हमारे होवर्थिया जेब्रा प्लांट को, क्योंकि बारिश में रखे रहने की वजह से इसकी या फिर एक्स्ट्रा वाटर की वजह से इसमें जो स्टेम हैं वो येलो होनी स्टार्ट हो गई हैं। इस तरह से देखिए, सड़ गई हैं इसकी कुछ पत्तियाँ नीचे की तरफ से, और ये नर्सरी बैग में ही था। जब से मैं लाई हूँ तब से नर्सरी बैग में ही था, मैंने इसको रिपोर्ट भी नहीं किया है। देखिए, इसकी रूट्स बहुत ही शैलो रूट्स है, थोड़ा सा टच किया तुरंत बाहर आ गई। इसकी बहुत छोटी छोटी रूट्स होती हैं इस तरह से। अब मैं इनको कुछ DIY पोर्टल, कुछ बाज़ार के पोर्टल में रिपोर्ट करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने लिया है कोकोपीट, पोटिंग मिक्सचर के लिए कोकोपीट, कंपोस्ट, और जो हमारी नॉर्मल मिट्टी होती है वो रेत। और उसके लिए मैंने थोड़े से ना जो ईंट के टुकड़े होते हैं उनको भी छोटे छोटे टुकड़े करके, ईंट को भी उन्हें अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब मैं यहाँ पे जो हमारा प्लांट है उसको वन बाय वन करके उसके सार उनको अच्छे से डिवाइड कर दूँगी। इस तरह देखिए, हमें अच्छे से करना है ताकि जो हमारा मदर प्लांट है वो डैमेज ना हो। बहुत ज़्यादा रूट प्रूनिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी रूट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा शैलो होती हैं। और हमें जो छोटे छोटे प्लांट हैं, हावर्थिया की जो नीचे की जो लीव्स हैं जो येलो हो चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, उन्हें भी हम अच्छे से रिमूव कर देंगे ताकि उसकी वजह से हमारा प्लांट आगे ख़राब ना हो। इस तरह देखिए, वन बाय वन करके मैंने इसकी जो सारी जो एक्स्ट्रा ख़राब जो लीव्स थी उन्हें रिमूव कर दिया है इस तरह से। यहाँ पर कुछ पांच हमें बड़े प्लांट मिले हैं और तीन छोटे बेबी प्लांट्स हैं इस तरह से। अब हम पोटिंग जो मिक्सर है हमारा उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमने जो ईंट के टुकड़े यहाँ पे छोटे छोटे ईंट के टुकड़े लिए हैं उन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है ताकि जो भी इनके ऊपर डस्ट हो वो निकल जाए इस तरह से। और मैंने यहाँ पे फर्स्ट ये नर्सरी पॉट लिया है वाइट कलर। नर्सरी पॉट जो होते हैं वो हमारे सकुलेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा छेद होते हैं, नीचे वाटर ड्रेनेज के होल होते हैं। इस वजह से जो अभी हम एक्स्ट्रा वाटर डालते हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाता है, उनमें से बहुत ज़्यादा पानी खड़ा नहीं रहता। इस तरह मैंने सबसे पहले नीचे ठेकरियाँ लगाई, उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा हुआ जो हमारा घास होता है, ये घास है जो हम कूलर की जाली में यूज़ करते हैं वो वाला घास है, क्योंकि बारिश के मौसम में हमें सूखी पत्तियाँ अवेलेबल नहीं हो पाती। इसके लिए हम सूखी पत्तियाँ, ये घास, या फिर जो कोकोनट फाइबर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मैं वही करती हूँ, सूखी पत्ती या फिर कोकोनट फाइबर। अब गर्मी का मौसम है तो ये भी हमें अवेलेबल हो जाता है। इस तरह करके मैं अच्छे से प्रेस करते हुए जितने भी मेरे पॉट हैं सब में अच्छे से पॉटिंग सोइल फिल कर लूँगी। इस तरह देखिए, सारे पॉट में मिट्टी डालने के बाद बारी आती है अब हमारे प्लांट ट्रांसफ़र की। अब हमारा जो प्लांट है इसकी कुछ एजेस, कुछ जो पत्तियां हैं उनकी एजेस पीली हो गई हैं बिल्कुल, जो किनारे होते हैं उनको, या फिर रूट्स ज़्यादा बड़ी हैं, जो रूट्स नीचे सड़ चुकी हैं। बड़ी तो इसकी कोई भी रूट्स नहीं है, सड़ी हुई रूट्स ज़रूर हैं, उन्हें हम अच्छे से प्रून कर लेंगे। देखिए, कुछ पत्तियां हैं जिनके एजेस ज़्यादा धूप की वजह से जल चुके हैं, या फिर जो रूट साइड की सड़ी हुई थी उन सबको मैंने यहाँ पे रिमूव कर लिया। इसके बाद मैं इन सारे जितने भी हमारे होवर्थिया प्लांट हैं उन सब की जो रूट्स हैं उनमें ये हल्दी पाउडर लिया है, सिनेमन नहीं है, सिर्फ हल्दी पाउडर है, ताकि जो हमारा हमने इन्फेक्शन ना हो हमारे प्लांट को किसी भी तरह का एंटीबैक्टीरियल। जैसे हमें कुछ चोट लगती है तो हम हल्दी का लेप लगाते हैं, उसी वजह से हमारे जो प्लांट को हमने कैंची से कट किया है बारिश के मौसम में ताकि इन्फेक्ट ना हो पाए किसी भी तरह का, इसलिए हम इसमें थोड़ा नीचे हल्दी पाउडर लगाया है।
तरह से हम वन बाय वन करके हमारे सारे होबर्थिया प्लांट कर लेंगे। इतने छोटे छोटे होते हैं कि मैंने जो हमारे मेन गार्डनिंग टूल्स होते हैं उनसे तो हम हैंडल ही नहीं कर सकते। सैकुलेंट्स के अलग से टूल्स आते हैं, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं जो घर के हमारे पास रेगुलर कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हम उन्हीं से काम चला लेते हैं। इस तरह देखिए, मैंने में पोटिंग मिक्सचर डालने के लिए मैंने चम्मच का यूज़ किया है। आप चाहें तो सैकुलेंट के जो टूल्स आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से प्रेस करते हुए रूट्स के पास सब में मिट्टी फिल कर लेंगे और हमारे सारे होवर्थियाँ लगा लेंगे इसी तरह से। देखिए इस तरह से मैंने अपने सारे होवर्थिया प्लांट लगा लिए हैं। तरह से देखिए यहाँ पर मैंने तीन पोट में लगाए हैं। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी लगा सकते हैं। अब बारी आती है इसमें वाटरिंग की। वाटरिंग का हमें ख़ास ध्यान रखना है क्योंकि हमें इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उन पर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि सैकुलेंट्स की पत्तियाँ जो होती हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा पल्प रखती हैं अपने पास। अगर वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मॉइस्चर उनमें रहेगा तो वो सड़ जाएंगी। इस तरह से मैं वाटरिंग सिर्फ इनके रूट्स में करनी है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी। जब हमारी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए तभी करनी है। इस तरह से देखिए, वो चाहे आप मेरे दो दिन में हो, चार दिन में हो, एक हफ्ते में हो, वो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा जो मौसम हमारा वेदर उसी पे डिपेंड करता है। सर्दियों में वाटरिंग काफ़ी टाइम बाद भी हो सकती है, गर्मियों में हम अल्टरनेट डेज में भी कर सकते हैं। इस तरह से